सो जी, लास्ट कुछ वीडियोस में आप लोग ने देखा कि मैं रांची की धरती को छोड़कर मुंबई आ गया और वहाँ से दुबई की फ़्लाइट ली और 4 घंटे के लेओवर के बाद दुबई से कायरो की ओर रवाना हो गया और कायरो में 3 दिनों के स्टे करने के बाद फाइनली कनाडा की ओर निकलने का टाइम आ गया था। सो आगे की जर्नी आप देखें। सो गाइज, इट्स फाइनली टाइम, या टाइम क्या बोले यार, यहाँ बोले ना मैनेजमेंट टाइट एकदम, क्या ही बोले। हमने इतनी हेल्प मांगी इनसे क्योंकि देख हमारा ना रात कुछ 1:15 को फ्लाइट है, ठीक है, रात को। और यार हमारा आरटीपीसीआर टेस्ट है वो 6 बजे आने को बोल रहा है और ये बोल रहे भाई थी आज 2 बजे आप चेकआउट करो। और भाई हम वी टोल्ड थे हम तो आपको पे भी कर देंगे, बट इन्हीं इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना यार, तो ये बोल रहे भाई हमारे पास रूम्स ही नहीं है। तो हमें पता है लगेज अभी दो उन्हें दिया, हमें 20 मिनट का समय क्योंकि एक पूरी बस आ रही है भर के। यस, तो ये मेरा लगेज है उधर। किधर है भाई तेरा बानी वानी का बंद मत के बैठा है क्या तूने? As I showed you, you have a very good place, तो आप हाइड करके भी रख सकते हो अपनी चीजों को यार। तो वी आर गुड टू गो। तो बानी कौर, आर यू रेडी? चलो भाई, पहली बार ऐसे रिस्पॉन्ड करिए वरना वो तो ऐसे ऐसी चलती है इसलिए। बट यस, वी आर रेडी गाइस। हम लोग को जाके रेडी किस चीज़ के लिए? नीचे जाके बैठना है हमें 2 बजे तक। वी हैव टेकन परमिशन किस चीज़ के लिए है बता? रेस्टोरेंट में बैठने के लिए। उधर ही हम लोग लगेज रखेंगे और उसके बाद आराम से हम लोग रेस्टोरेंट बैठ सकते हैं, तो ओपन एरिया। बट वहाँ दुबई धूप बहुत है, टू मच हॉट, मेल्ट हो जाएंगे, तो इसलिए हमें बहुत मुश्किल से परमिशन मिली थी। अब लोग खा रहे होंगे तो हमने बोला कसम खाई थी यार हम खाएंगे नहीं है आपका खाना, वी विल नॉट टेक योर लंच एपेटाइट, बट यार हम लोग बस बैठने दो हम लोग को, तो ऐसे बैठ रहे हैं। यस, आउटफिट ऑफ द डे एंड दिस व्लॉग इज अ गुड व्लॉग। गुड व्लॉग क्यों होगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि इस व्लॉग में आप देखोगे कायरो इमिग्रेशन, माई एक्सपीरियंस कैसा रहा इमिग्रेशन यहाँ का। तो स्टे ट्यून्ड। अब तो बस भाई बंदा आ रहा है, कॉल आ गया था। वैसे ये लोग फास्ट नहीं है, जब चेकआउट करना तब तो एकदम जमा, एकदम फास्ट, एकदम टाइमली। सो इफ यू आर डन वी विल सेंड अ स्टाफ यार। मैंने कहा ओके देन ठीक है भेजो। अब भाई जी तो तुमने तो करनी है कुत्ते खानी, भेजो। चलो विल मीट यू। सो गाइज, इट्स फाइनली टाइम, वी आर चेकिंग आउट। हाँ जी यार, तो भाई जैसा भी था, जैसा भी सब कुछ, और सबसे मज़ेदार बात थी भाई, जो बहुत डर लग रहा था कि हमारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं एंड दैट इज़ नेगेटिव। यस, आरटीपीसीआर रिपोर्ट आ चुकी है भाई, तो मीट यू कायरो। यस भाई, अब हेड टूवर्ड्स द कायरो इमिग्रेशन, दिखाता हूँ भाई थी हमारा, हम सब लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहता है भाई कायरो का इमिग्रेशन का, क्वेश्चन का। चलो जी, you're beautiful, Moni Roy is beautiful. Masila Moni ho, oh la photo la internet. Yes, type as we are excited to know. Yeah, oh, so much, please show me that. Oh, she is beautiful. देखो जी साडे इधर दे भरा भी बहुत प्यार करते ने साडे बॉलीवुड सेलेब्स नु, क्या बात है, ताक मचाई हुई है, ताक मचाई हुई है बॉलीवुड वाले ने। सो यू लाइक मोनी रॉय, यू लाइक अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान? ओ मोनी, मोनी इज लव, दैट्स इट। So much. So much. No love. Yeah. She is beautiful, eh? Gorgeous. And you guys also, you have seen movies of Shah Rukh Khan and all, Shah Rukh Khan, Salman Khan movies. You see, which movie you like? He is like that one, Dilwale Dulhania and all. That one, I got it, man. You music India? Yeah. Kasam. Oh, Kasam. Yeah. Beautiful, yeah. Beautiful music. You Kasam. Ki Kasam se hum na pyar hoga. Yeah, that one, I got it. that you are very much involved in Indian culture songs. You me? Yeah. Yeah, you are involved. Oh my God! You should surely visit India once. Huh? You know so many things of India.
माई गॉड नो इज इट यू माई लव हिंदिया या मोनी इफ आई एवर मीट हर ना Moni, I will surely tell you. What's her name, sir? If you don't, I will surely tell that this person loves you the most. If I ever meet her, Moni, in India. Can I tell her your name? What's her name? Muhammad. Muhammad. Okay. Yeah, Muhammad, I love you so much. Oh, much. Okay, okay. सो गाइज वी हैव अराइव्ड एट कायरो एयरपोर्ट. हाँ जी भाई टाइमली आ चुका आपका भाई. 1:15 में हमारी फ्लाइट है. हम आ चुके भाई 8:30 में. इवन सोचो यार हम वहाँ देखो वहाँ पे यार एंट्री हो तो एंट्री में मैं बोल दिया था यार आप बहुत जल्दी आ चुके हो तो आराम से यहाँ पे बैठो क्योंकि 10 बजे आपको एंट्री करनी है इमिग्रेशन के लिए. तो यस जल्दी आ चुके तो वी आर बैठे छठे में यार. देखो सारा सामान उधर है. यही करना है ना और कुछ नहीं करना है. चुप रहन दिया की कह रहे हो. यू हैव वाईफाई तो यार हमें इतना एक आस जगी थी यार वाईफाई फ्री वाईफाई पर. यहाँ पे क्या इन्होंने बोला एक ऐप आई है देखो दिखा रहा है वो बैक कर दिया. तो सी गाइस ये है भाई. इन्होंने हमें लगा था भाई फ्री वाईफाई देंगे बट ये 30 मिनट्स के लिए वाईफाई आपको देंगे फ्री. आप लगा आपको थी हाँ पर वो भी नहीं हाँ कि वो इजिप्शियन नंबर मांग रहे हैं आपसे. तो आपके पास है क्या? हमारे पास तो नहीं है ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया से आ रहे हैं ना. तो लोचिंग है यार. यहाँ पे मैंने आपको जो बोला ना भाई यहाँ पे जो हैसल्स एंड भाई जो पंगे हैं इंडियन स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे आप नेट नहीं चला सकते हो. हमारी 11:30 घंटे की मोटा मोटी ना फ्लाइट है. तो हमने सबको मैसेज कर दिए हैं हमारा रिपोर्ट नेगेटिव आ चुका है. अब हम डायरेक्टली अपने ड्रीम डेस्टिनेशन कनाडा में पहुँच के आपसे बात करेंगे. तो स्टे ट्यून्ड और ट्राई करते हैं क्योंकि ऐसी जगह है ना ऊपरा देश है तो अपन नहीं सोच रहे भाई कि ऐसे यहाँ पे ना थोड़ा डरवर भी लगता है तो व्लॉग करें. और अभी तक आपने ऐसी जर्नी देखी भी नहीं है तो मैं प्रॉपरली जैसे व्लॉग करता हूँ कर रहा हूँ. बट नाउ आई हैव स्टार्टेड आई हैव मेड अ माइंड चलो ठीक है ट्राई करते जितना हो सके. तो फाइनली गाइज भाई इमिग्रेशन कायरो में हो गई यार. मतलब भाई फटी पड़ी थी सही में. बहुत डर लग रहा था क्योंकि अब जान मैं जैसे बताया ना आपको यार ये मतलब हैरास ही कर रहे हैं यार इंडियन स्टूडेंट्स को. अब सोचो देखो यार पता है 10 बजे हम तो 8:30 ही आ गए थे. मैंने आपको बोला ना वो बैठो 10 बजे आपकी आप इंटर कर सकते हो. तो हम बाहर ही जब से बैठे हुए थे 10 बजे भी इन्होंने लाया भाई इतनी लंबी लाइन लगा दी ना वहाँ पर. बट यस ठीक है हम भाई 1 घंटा तो हमें लाइन पर ही लग गया. बट जैसे इमिग्रेशन आया ना भाई पहली चीज़ है जो भाई कायरो में बहुत स्मूथ थी. बहुत मतलब भाई मेरे ना देखो 23 किलो मेरे अलाउड थे. 25-25 मेरे किलो के बैगेज हो गए थे यार. मुझे इवन बोला गया था भाई बॉम्बे में थोड़ा भाई कम करो तो ठीक है. पर ये लोग तो ऐसे गप्पे मार रहे हैं. और बस ऐसे मेरे से थोड़ा स्ट्रिक्ट था बंदा कि भाई 8:20 तो 3 बार मांग ले रहा है ये सब चीज़ें. और उसने कुछ भी वेट कुछ नहीं ऐसा चेक किया. फटाफट खट किया उधर भी ख़त्म. इमिग्रेशन तो भाई वो बंदा पता है अपने पास म्यूज़िक लगा के और मस्त फ़ोन पे बात करते हैं खट ऐसे फेस देख रहा है आपका पासपोर्ट देख के एंड ही इज़ क्लियरिंग इट. तो भाई इमिग्रेशन यहाँ का बहुत स्मूथ था. सो आई होप आपको ये यार वी जितने ब्लॉग सीरीज़ हैं अब तक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिली लगी हो. तो यस इट्स योर चॉइस मैन बेस्ट. मुझे तो भाई ऑल ओवर बोलोगे तो ये वर्स्ट रूट है बट इमिग्रेशन स्मूथ थी ये मैं बोल देता हूँ. तो यस पीस आउट अगले ब्लॉग में मिलते हैं क्योंकि अब अगला ब्लॉग होने वाला है कैनेडियन इमिग्रेशन. फाइनली मैं ड्रीम डेस्टिनेशन जहाँ पहुँच जाऊँगा. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई. सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अब तो भाई चक दे फटे. इसके लिए 3 साल से मेहनत की है यार 2-3 साल 2 साल. यस तो पहुँचते हैं अब मिलते हैं अब अगला ब्लॉग है कैनेडियन ब्लॉग. स्टे ट्यून्ड.